सात दिवसीय गणपति महोत्सव के बाद धूमधाम से विदा हुए गणपति लगभग 3 किलोमीटर तक शहर के मुख्य मार्गों से नृत्य करते हुए रंग बिरंगी वेशभूषा में निकले वात्सल स्कूल के छात्र छात्राएं। विगत 15 वर्षों से वात्सल स्कूल का गणपति महोत्सव और भव्य विदाई समारोह लोगों के लिए होता है आकर्षण का केंद्र। विदिशा के वात्सल स्कूल में आज 7 दिवसीय गणपति महोत्सव का विदाई समारोह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। विगत 15 वर्षों से गणपति उत्सव वात्सल स्कूल में भव्यतापूर्ण मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी ढोल ग्यारस के अवसर पर गणपति की भव्य विदाई दी गई। वात्सल के विदाई समारोह में भारत का मान और गौरव बढ़ाने वाले चंद्रयान का मॉडल रहा, जिसे बड़े ही खूबसूरत तरीके से स्कूल के छात्र छात्राओं ने तैयार किया और विदाई समारोह में लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं चल समारोह में कचरा वाहन भी चल रहा था, जिसमें स्वच्छता का संदेश भी शहर वासियों को दिया गया। चंद्रयान का ये उद्देश्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे भारत ने रियलिटी का बनाया है मून की सरफेस को स्टडी करने के लिए। सारे सभी लोगों को बताना चाहते हैं, जैसा कि हमने ये चंद्रयान बनाया है, इससे कि हम क्या इसके थ्रू जान रहे हैं, लोगों को हम बताना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि कैसे हम मून की सरफेस को जान सकते हैं। जो नहीं जानता इसके बारे में, उस इन्फॉर्मेशन को दूर दूर तक पहुँचाना चाहते हैं। और ये हमने बहुत ही कम समय में एकदम से ही दिमाग में आया, तो उसको कर रहा है स्टडी। बच्चों की इच्छा थी कि हमारे देश की शान आज की तारीख में चंद्रयान से हम सबका गौरव बढ़ा है, तो क्यों ना हम लोगों ने 10 दिन के अंदर चंद्रयान को तैयार करवाया और छोटा सा चंद्रयान के स्वरूप में उसको एक झांकी के लिए ले जा रहे हैं। ये मैसेज है टाउन के लिए कि हमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हम बच्चे सब जो हैं ये इस चंद्रयान के ऊपर रोज चर्चा में हैं, तो बस इन्हीं का था कि मैम चंद्रयान से लीड करेंगे आज। स्वच्छता की भी गाड़ी चल रही है साथ में, वो हर वर्ष चलती है। जो भी कचरा हम लोग करते हैं, हम ही अपने विदिशा शहर के हम ही नागरिक, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम अपना कचरा स्वयं उठा के अपनी कूड़ा गाड़ियों में डालें, जिससे हमारा विदिशा स्वच्छ और हरा भरा रहे।